ए आई ओ यू ये क्या है ये है वोवल्स ट्वेंटी six अल्फाबेट्स में से ये फाइव वोवल्स होते हैं और बाकी ट्वेंटी one होते हैं कॉन्सोनेस तो ये पोयम है वोवल के बारे में आइए पढ़ते हैं We are very little creatures. Vowels कहते हैं कि हम बहुत छोटे से प्राणी हैं, हम बहुत छोटे से काल्पनिक जीव हैं, इमेजिनरी beings हैं ऑल ऑफ डिफरेंट वॉइस एंड फीचर्स और हम सब की अलग आवाज है और हम सब अलग दिखते हैं हमारे अलग अलग लुक्स हैं वन ऑफ अस इन ग्लास इज सेट और हम में से एक ग्लास में से थे ग्लास में कौन सा वावल आता है ग्लास में आता है ए तो हम में से एक वर्ड ग्लास में है One of us you will find in jet और हम में से एक आपको मिलेगा वर्ड जेट में टी -E जेट जेट में ई e वॉवल है द अदर यू मे सी इन टिन और दूसरा वावल आपको मिलेगा वर्ड में टी आई, वो है के अंदर. वर्ड में कौन सा वॉवल है ओ बी ओ एक्स बॉक्स जिसमें ओ वॉवल है इफ द फिफ्थ यू शुड परस्यू इट कैन नेवर फ्लाई फ्रॉम यू और अगर आप फिफ्थ वाले वॉवल का पीछा करेंगे परस्यू करेंगे तो ये आपसे कभी दूर नहीं जा सकेगा आप में भी एक है कौन सा है इसमें दो बार रिपीट हुआ है परस्यू वर्ड में यू वॉवल है इसमें ई भी है तो अगर आप इनका पीछा करेंगे आप इनको पढ़ेंगे इनको याद रखेंगे तो ये आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे तो ये थी छोटी सी पोयम जिसे लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने अब आइए इस पोयम की एक्सरसाइज करते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन नीचे तीन ऑप्शन है और एक स्टेटमेंट है आपको सही वाले पर टिक करना है फर्स्ट वन इज द वेरी लिटिल क्रिएटर्स इन द पोयम आर पोयम में जो बहुत छोटे से क्रिएटर्स है प्राणी है वो कौन से है तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑल द लेटर्स ऑफ द एल्फाबेट नो क्या है वो राइट आंसर इज बी द दॉवल्स नंबर टू विच वॉवल डू यू फाइंड इन ग्लास ग्लास में आपको कौन सा वॉवल मिलेगा और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए वॉवल मिलेगा वेयर इज द फोर्थ वॉवल फाउंड फोर्थ वॉवल कहाँ पाया जाता है और करेक्ट ऑप्शन है सी इन द वर्ड बॉक्स नेक्स्ट विच वॉवल फ्लाई फ्रॉम यू कौन सा वॉवल आपसे दूर नहीं जा सकता और आंसर है ए ऑप्शन और वॉवल कौन सा है यू नाउ नेक्स्ट इज प्ले विद वर्ड्स एक्सरसाइज बी राइट अ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोए फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स ये जो वर्ड दिए हैं इनके लिए राइमिंग वर्ड आपको और कहीं से नहीं लिखना है आपको पोएम से ही ढूंढ कर लिखना है तो फर्स्ट इज क्रिएटर्स जिसका राइमिंग वर्ड है फीचर्स देन सेट जेट टिन पिन परस्यू यू नाउ नेक्स्ट है ग्रामर फन राइट द प्लूरल्स ऑफ दीज नाउन्स नीचे जो नाउन्स दिए हैं आपको इनके प्लूरल नंबर लिखने हैं वॉच वॉचेस लगेगा लास्ट में बॉक्स बॉक्सेस ई एस लगेगा क्रेन क्रेन्स एड ओनली एस पेंसिल पेंसिल्स एड ओनली एस ग्लास ग्लासेस ई एस विल बी एडेड बुश बुशेज नाउ नेक्स्ट इज अंडरलाइन दिंगुलर नाउन एंड सर्कल द प्लूरल नाउन इन दिस पैराग्राफ इसमें जो सिंगुलर नाउन है उसके नीचे आपको लाइन खींचनी है और जो प्लूरल नंबर है उसको आपको सर्कल करना है आइए करते हैं रोहित वैन टू अद हिस्सर ब्रदर राजू अब यहां पर सिंगुलर नाउन कौन सा है यहाँ पर शॉप भी सिंगुलर है और यहाँ पर ब्रदर भी सिंगुलर है रोहित और राजू ये प्रॉपर नाउंस हैं, इन्हें हम कुछ नहीं करेंगे नेक्स्ट रोहित बॉट फोर पेन्स थ्री नोटबुक्स एंड एन इरेजर अब रोहित क्या लेके आया फोर पेन्स तो पेन्स क्या है प्लूरल नंबर सर्कल करिए नोटबुक्स प्लूरल नंबर सर्कल करिए और इरेजर अंडरलाइन करेंगे ये सिंगुलर नंबर है ही ऑल्सो बॉट अ वुडन रूलर एंड अ नोटबुक फॉर हिज सिस्टर मीता और यहां पर ये तीनों सिंगुलर नंबर है रूलर नोटबुक और सिस्टर नेक्स्ट राजू वेरी हंग्री ही बॉट टू पैकेट ऑफ एलम एंड अ फ्यू बनाना एंड अ किलो ऑफ मैंगोज तो यहाँ पर प्लूरल नंबर कौन कौन से हैं पैकेट्स एलम बनाना Mangoes or singular hai kilo so students that's all in this video we have completed this whole poem explanation along with the exercises hope you like it अगर video अच्छा लगा है तो जल्दी से like button को press कर दीजिए और channel को अगर अब तक subscribe नहीं किया है तो subscribe button को press कर दीजिए फिर मिलेंगे दूसरे chapter के साथ तब तक के लिए bye bye have a good day